नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड में गोंड जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरुआत करते हैं। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो जनजाति है ना गोंड, ये झारखंड में गुमला और सिमडेगा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? गुमला और सिमडेगा में। इसके अलावा आप लोगों को ये भी याद रख लेना है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा भारत में कौन सी जनजाति है, तो भील है और दूसरे नंबर में गोंड आता है। क्या आता है दूसरे नंबर में? गोंड। वही यदि आपको झारखंड में पूछा जाए कि झारखंड में ये जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो गुमला, उसके बाद हम आपको कहां बताए तो सिमडेगा। तो कौन सी जनजाति हम आपको बता रहे हैं? गोंड जनजाति। ध्यान दीजिएगा, कौन सी जनजाति? गोंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं ना, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंड जनजाति जो है ये प्रजाति दृष्टि से किस श्रेणी में आता है, तो आपको याद रख लेना पड़ेगा ये प्रजाति दृष्टि से द्रविड़ में आता है। किस में आ जाता है? द्रविड़ श्रेणी में आता है। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, संथाल जनजाति हो गया, ये प्रोटोस्टलाइट में आता है। ठीक है, उरांव जनजाति, ये आपका द्रविड़ में आता है, मुंडा प्रोटोस्टलाइट में आता है। तो उसी तरह ये जो गोंड जनजाति हम आपको बता रहे हैं, ये प्रजाति दृष्टि से किस में आ जाएगा? तो द्रविड़ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द्रविड़ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो गोंड बता ना, सबसे पहले तो याद रखना तीन भागों में बटा हुआ। कितने भागों में? तीन भागों में। ठीक है, गोंड जनजाति। एक आएगा आपका राजगोंड। क्या बताएं? राजगोंड। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। अब ये जो राजगोंड हम आपको बता रहे हैं ना, ये अभिजात वर्ग है, मतलब उच्च वर्ग। क्या बताएं? अभिजात वर्ग। ठीक है, तो गोंड जनजाति देखिए तीन भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो एक हम आपको क्या बताएं, राजगोंड, ये हो गया उच्च वर्ग, अभिजात वर्ग। ठीक है, अभिजात वर्ग का मतलब जो सबसे ज्यादा रईस होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखना है, एक हो गया है राजगोंड। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका पटेल, पटेल गोंड। तीसरा हो जाएगा धूर गोंड, या फिर इसको कमिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कमिया भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो हम आपको बताएं कि राजगोंड हो गया आपका अभिजात वर्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए पटेल जो हम आपको बताएं ना, ये हो गया जमींदार। ये क्या हो गया? जमींदार। और ये जो धूरगोंड हम आपको बताएं, ये हो गया आपका खेतिहार, खेतिहार। ठीक है, तो गोंड देखिए तीन भागों में बटा हुआ है, एक राजगोंड बताएं, ठीक है, दूसरा पटेल गोंड बताएं, और तीसरा धूर गोंड या फिर कमिया। तो राजगोंड, अभिजात वर्ग, पटेल गोंड, जमींदार हो गया, धूर गोंड या कमिया क्या हो गया? तो ये हो गया खतिहार। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी जनजाति बता रहे हैं? गोंड जनजाति। ठीक, तो हम आपको बता दें कि भारत में आज के डेट में ये जो जनजाति है ना, इसका जनसंख्या में याद रखिएगा दूसरे नंबर पर आता है ये। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? तो भील है। फर्स्ट नंबर में कौन है? भील है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसके बाद गोंड आ जाता है, फिर यदि आप भारत में देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आप लोगों का संथाल आ जाएगा, है ना। तो गोंड जनजाति तीन भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? तीन भागों में। ठीक, आप देखिए ये जो जनजाति बता रहे हैं ना, इस जनजाति में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है, संयुक्त परिवार। ठीक है, तो आप जी संयुक्त परिवार बता रहे ना हम आपको, इसका मतलब क्या होता है? ज्वाइंट फैमिली। तो इसमें ज्वाइंट फैमिली जो हम आपको बता रहे हैं, संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार को इसमें भाई बंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाई बंद। ये पूछता है क्वेश्चन में कि गोंड जनजाति जो है इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा, तो संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? तो भाई बंद बोला जाता है। आप याद रखिएगा, यही संयुक्त परिवार जब याद रखिएगा बहुत बड़ा हो जाए, मान लीजिए संयुक्त परिवार जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये यदि बड़ा हो जाता है तो यही क्या हो जाएगा? तो भाई बिरादरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई बिरादरी। ठीक है, तो संयुक्त परिवार को क्या बोला जाता है? तो भाई बंद बोला जाता है। और संयुक्त परिवार को इसमें काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस जनजाति में, गोंड में। ठीक है, तो संयुक्त परिवार भाई बंद, और जब ये परिवार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? भाई बिरादरी हो जाएगा। ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। देखिये ये जो जनजाति है, इस जनजाति में युवागृह को घोटुल बोला जाता है। युवा गृह को क्या बोलेंगे? घोटुल। क्या बोलेंगे? घोटुल। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, समझना है। देखिए युवागिरी जो हम आपको बता रहे हैं, युवागिरी जो है सबसे ज्यादा फेमस आपका उरांव जनजाति में है, जिसमें धूमकुरिया बोला जाता है। लेकिन यहां पर भी आपको याद रखना है, जो युवागृह है ना, ये काफी प्रचलन में है। ठीक है, तो युवागृह मतलब क्या कि गांव में, याद रखिएगा, पहले क्या होता था, तो पहले आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं करता था क्योंकि नौकरी वगैरह से कोई मतलब नहीं था। तो काम क्या करना है? तो हमको शिकार करने सीखना है। ठीक है, खेती वगैरह
शिकार वगैरह जंगल से बहुत सारी चीजों को लाना है, एकत्र करना है, ठीक है, और उसी से अपने जीवन यापन चलाना है, और मनोरंजन के लिए नृत्य वगैरह, संगीत वगैरह ये सब चीजें सिखाया जाता था। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको जो युवागृह बता रहे हैं ना, इसको घोटुल बोला जाता था। तो युवागृह में प्रवेश का जो समय है वो 10-11 साल में आपका एंट्री इसमें हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, जब आपका शादी हो जाता है तब आपका सदस्यता यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो युवागृह में क्या होता है, तो युवागृह में याद रखिएगा, जाइएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। किस चीज का ट्रेनिंग दिलाया जाएगा, तो याद रखिएगा, आपको शिकार करने सिखाया जाएगा, इसके अलावा आपको नृत्य वगैरह, संगीत वगैरह ये सब चीजें सिखाया जाता है, ठीक। तो देखिए, गोंड जनजाति हम आपको बताएं तीन भागों में, राजगोंड, पटेल गोंड, धूर गोंड, ठीक है। संयुक्त परिवार इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, भाई बंद, और जब परिवार जब बड़ा हो जाए तो वही याद रखिएगा, भाई बिरादरी। युवागृह का व्यवस्था इसमें है, युवागृह को क्या बोलते हैं, तो घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोग दूसरा वीडियो यदि नहीं देखे हैं जनजाति का, तो जनजातियों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, झारखंड का 20-22 को जनजाति के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक। अब देखिए, अब बात करते हैं ये जो जनजाति है ना, इसमें देखिए खेती करता है लोग, झूम खेती। कौन सा खेती बता रहे हैं हम आपको, झूम खेती। ये जो झूम खेती बता रहे हैं, जिसको स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है, झूम खेती। तो झूम खेती को ये लोग बोलते हैं आपका दीपा, या याद रखिएगा बेवार, क्या बताएं, दीपा या बेवार, ठीक है। तो झूम खेती मतलब क्या होता है कि एक जगह मान लीजिए हम खेती किए, फिर उसके बाद वहां पे 2 साल छोड़ दिए, कुछ नहीं किए, 2-3 साल छोड़ दिए, उसके बाद दूसरी जगह में खेती किए, तो इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, खेती कहा जाता है, झूम खेती। तो झूम खेती का इस जनजाति में प्रचलन है, और इसमें क्या बोला जाता है इसको, तो दीपा याद रखिएगा, या फिर बेवार कहा जाता है, दीपा या बेवार। देखिए, इस जनजाति में जो देवता है, सबसे प्रमुख देवता है आपका ठाकुर देव, क्या बताएं, ठाकुर देव। और जो ठाकुर देव आपको बता रहे ना, इसका तुलना देखिए, ये आपका सूर्य का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक। उसके बाद दूसरा है आपका ठाकुर देई, क्या बताएं, ठाकुर देई। ये ठाकुर देई जो है ये आपका धरती का प्रतीक है, ठीक है। ठाकुर देव हो गया सूर्य का प्रतीक, ठीक, और याद रखिएगा ठाकुर देव जो है धरती का प्रतीक। देखिए, जो ठाकुर देव आपको बता रहे ना, इसको बूढ़ा देव के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको, बूढ़ा देव। तो जनजाति में हम आपको बता रहे हैं कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति, ठीक। प्रमुख देवता क्या हो जाएगा, तो ठाकुर देव, सूर्य का प्रतीक है। उसके बाद हम आपको बताएं ठाकुर देव, ये क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा धरती का प्रतीक, क्या हो जाएगा, ये धरती का प्रतीक, ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। देखिए, इस जनजाति में भाषा, तो ये लोग भाषा प्रयोग करता है गोंडी, ठीक है। गोंड जनजाति जो है ना, इसकी भाषा क्वेश्चन पूछेगा क्या है, तो याद रखिएगा भाषा है तो गोंडी, लेकिन बोलचाल की भाषा इन लोगों का नागपुरी और सादरी है, नागपुरी, ठीक है, क्या बताएं, नागपुरी। इसकी बोलचाल की जो भाषा है वो नागपुरी और आपका सादरी है ना। भाषा क्या है, तो गोंडी है, लेकिन बोलचाल की भाषा क्या है, तो नागपुरी, और क्या बताएं, तो सादरी, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, और एक चीज याद रखना है, जैसे हम लोगों का क्वेश्चन, जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देवता के बारे में हमेशा क्वेश्चन में रहता, भाषा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बोलचाल की भाषा क्या बताएं, तो सादरी, और याद रखिएगा नागपुरी है, सादरी और क्या बताएं, नागपुरी। पर्व का यदि बात करते हैं इस जनजाति में, पर्व त्यौहार, तो पर्व त्यौहार याद रखिएगा बाकी जनजाति जो मनाता वही सब है, एक याद रखिएगा कर्मा है, शरहुल है, शोहराय है, उसके बाद एक आपका जीतिया याद रखना है, कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, शोहराय, और एक क्या बताएं, जीतिया, इसमें आपको याद रखना, ये सब क्या है, तो पर्व त्यौहार है, ठीक है। आप देखिए, पर्व त्यौहार में कोई काम यदि होगा, पुजारी को याद रखिएगा, पुजारी, पुजारी को बोलते हैं बैगा, क्या बोलते हैं, बैगा, ठीक है। तो पर्व त्यौहार क्या क्या बता दिए, कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, जीतिया हो गया, है ना, ये सब आपका पर्व त्यौहार में इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है, पुजारी को बैगा कहा जाता है, मतलब याद रखिएगा धर्मगुरु जो होता था ना, जो धार्मिक काम को संपन्न कराता था, उसको क्या बोलता है इस जनजाति में, तो याद रखना है बैगा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बैगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो याद रखिएगा गोंड जनजाति, ध्यान दीजिएगा, प्रजाति दृष्टि से किस श्रेणी में आता है, तो द्रविड़ी में आता है। और ये जनजाति जो हम आपको बताए ना गोंड, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ये आपका पितृसत्तात्मक है, मतलब इस जनजाति में भी पिता का वंश चलता है, किसका वंश चलेगा, पिता का वंश, मतलब याद रखिएगा पिता का जो संपत्ति होगा
वो पुत्रों में बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, लेकिन यदि बड़ा पुत्र रहेगा तो उसको कुछ ज्यादा संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। याद रखिएगा, महिलाओं को संपत्ति का हिस्सा नहीं मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल, क्योंकि पितृसत्तात्मक है। हाँ, लेकिन यदि कोई विधवा है या फिर अविवाहित है, ठीक है, तो उसको मिल सकता है सिर्फ जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको कौन सी जनजाति के बारे में बताएं, गोंड जनजाति। तो याद क्या रखना है, तो गोंड जनजाति हम आपको बताएं कि ये जो जनजाति है ना, ये भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। झारखंड में भी काफी इंपॉर्टेंट स्थान इस जनजाति का। कहाँ पाया जाता सबसे ज्यादा, तो याद रखिएगा, एक तो हम आपको गुमला बताएं और दूसरा कहाँ बताएं, तो सिमडेगा। गुमला और कहाँ बताएं, सिमडेगा। प्रजाति दृष्टि से द्रविड़ में आता है। भाषा क्या है, तो गोंडी। बोलचाल में सादरी और नागपुरी का ये लोग इस्तेमाल करता है। तीन भागों में बटा हुआ है, ठीक है, राजगोंड हो गया, धुरगोंड या फिर कमिया हो गया, पटेल गोंड हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस टॉपिक से झारखंड का कोई भी एग्जाम दीजिएगा आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।